हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइक वाइब्स। तो आज मैं जो वैकेंसी आपके लिए लेके आई हूँ वो है आर्मी पब्लिक स्कूल की, जो कि मऊ एमपी में है। इसमें जो वैकेंसी है वो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए है। जो पीजीटी में वैकेंसी है वो फिजिक्स एंड साइकोलॉजी की है। टीजीटी में जो वैकेंसी है वो इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ एंड वेलनेस में है, लाइक काउंसलर। जो पीआरटी में वैकेंसी है वो ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, ठीक है, और मदर टीचर फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है विच इज़ फॉर क्लास थर्ड एंड फिफ्थ। पीआरटी में एक्टिविटी टीचर, पीआरटी इज एक्टिविटी टीचर, जिसमें म्यूजिक में पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस एंड योगा में वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। एडीएम स्टाफ की वैकेंसी है, जिसमें हेड क्लर्क, यूडीसी, अकाउंटेंट क्लर्क, एलडीसी, एलडीसी, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, जिसमें पैरामेडिक्स, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स एंड ड्राइवर की वैकेंसी है। तो बेसिकली देखा जाए तो टीचिंग की वैकेंसीज भी हैं और नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि पीजीटी में फिजिक्स और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद द सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयड इज सॉट। मींस अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे कि अब हमें यहाँ पे चाहिए फिजिक्स और साइकोलॉजी, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या तो फिजिक्स में या साइकोलॉजी में, मीन्स एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में, विद बीएड। आपके पास बीएड होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयड इज सॉट एंड क्वालिफाइड इन बीएड विद 50% मार्क्स। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद बीएड 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। कैंडिडेट हैज नॉट, अगर उसके जो भी आपके मार्क्स हैं वो 50% से कम है, ठीक है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में। जैसे टीजीटी के लिए यहाँ पे इंग्लिश, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ इसमें है। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स नहीं है, आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, तो आपके पास पीजी होना चाहिए, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स और मोर देन दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपके पास होना चाहिए बीपीएड और डीपीएड, ठीक है, अवॉर्डेड बाय दी किसी स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और या तो फिर आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, फिजिकल एजुकेशन, हरियाणा ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार। नेक्स्ट जो वैकेंसी के क्वालिफिकेशन है वो टीजीटी की है, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, जो कि काउंसलर की है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट, और या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो कोई या डिप्लोमा हो काउंसलिंग में, मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल के पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन वेलनेस टीचर और काउंसलर का, ठीक है, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा है इन साइकोलॉजी, आपके पास ये होना चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं उनको साइकोलॉजी पढ़ाने का जो ये इसमें वैकेंसी है वो ये है कि आपको 12th लेवल पे पढ़ाना होगा साइकोलॉजी। और आपको जो मैक्सिमम पीरियड लेने होंगे वो पर वीक में 14 पीरियड्स आपको लेने होंगे, ठीक है। पीआरटी में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। पीआरटी में जो एक्टिविटी टीचर है म्यूजिक, पीटीआई, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस टीचर एंड योगा टीचर, इसमें नो स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश स्किल्स, ठीक है। असिस्टेंट टीचर के लिए ग्रेजुएट आपको होना चाहिए या फिर 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएट और बीएड होनी चाहिए। पैरामेडिक्स में आपके पास 12th होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हेड क्लर्क के लिए आपको क्या होना चाहिए कि प्रेफरेबली एन एक्स सर्विस मैन ऑफ क्लर्क कैटेगरी अप टू 55 ईयर्स का, या फिर कोई एक्स सर्विस मैन हो जिसने पहले काम कर रखा हो वो 55 ईयर्स के अंदर अंदर तक होना चाहिए, और 5 से 10 ईयर्स तक का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए
ऑफिस मैनेजमेंट का, अकाउंट्स का हैंडलिंग, अकाउंट हैंडल कर सके, हेड क्लर्क विद हाई प्रोफिशिएंसी इन स्टाफ ड्यूटीज। मीन्स उसने ऐसा काम पहले किया हुआ होना चाहिए, एक्स सर्विस मैन हुआ होना चाहिए। इसमें आपको एमएस ऑफिस वगैरह ये जो चीजें होती है कंप्यूटर की, जो बेसिक चीज होती है वो अच्छे से आनी चाहिए। देन उसके बाद है अकाउंटेंट क्लर्क, उसके लिए आपको बीकॉम चाहिए और 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। आपके पास 15 ईयर्स तक का आपने कहीं पे सर्विस दी हुई होनी चाहिए, ठीक है। देन ड्राइवर पे आ जाते हैं। ड्राइवर के लिए आपको 10th चाहिए विद व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। एलडीसी के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज क्लर्क, ठीक है। कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेजेस होती हैं वो आनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और जो बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स है वो आनी चाहिए। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, 12th चाहिए विद साइंस एंड कंप्यूटर आपको आना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपके पास साइंस होनी चाहिए, साइंस ग्रेजुएट आप होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। प्राइवेट टाइम कोचेस के लिए आप जैसे कोच बना चाहते हो फुटबॉल बास्केटबॉल बैडमिंटन, सिलेक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ठीक है। अब एज लिमिट पे आ जाते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। फॉर फ्रेशर लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर 5 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है तो बिलो 40 ईयर, इसमें 40 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर कोई एक्सपीरियंस है कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर हो तो 40 ईयर से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 57 ईयर्स तक का टाइम दिया जाता है। 57 ईयर से कम कम के जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू अवेल एज रिलैक्सेशन 40 एंड 47, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। पे अलाउंसेस इज एज पर AWS रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स जो पे स्केल है वो अच्छा होगा। एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। मैं एक लिंक दूंगी आपको, वो डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा उस लिंक को। जैसे कि मैं बता देती हूँ एक बार आपको, आपको यहाँ से, यहाँ पे आप पूरा ये एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप टीचर का जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फुल डिटेल जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके भर के सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो अपनी मार्कशीट्स हैं जो भी उसमें मांगी होंगी या फिर जो भी आपको जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको इस ऑफिस पे भेजना है, इनके स्कूल पे, ठीक है। आपको एक DD बनवानी है 1000 रुपीज की इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ, ठीक है। और जो ये 100 रुपीज की फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो 16 जून से 19 जून 2021 के बीच में आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको जो स्कूल मैनेजमेंट रिजर्वेशन ऑल राइट सिलेक्शन एंड रिजेक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और मेरिट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल, ठीक है। ईमेल के थ्रू कोई भी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। आपको क्या करना होगा इसके लिए, ड्यूली कम्प्लीटेड इन ऑल रीसेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड मार्कशीट एंड एक्सपीरियंस शुड रीच द, आपको ये भेजना होगा इस स्कूल के एड्रेस पे, ठीक है। स्कूल का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, वेट एक मिनट। स्कूल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, CBSE अफिलियेटेड, आपको ये प्रॉपर जो एड्रेस है यहाँ पे देना होगा। या फिर आप, अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पे फोन करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको 16 जून मींस आपको एक दो दिन के अंदर ही अप्लाई करना होगा क्योंकि 16 जून तक आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू की आपकी डेट आ जाएगी 16 जून से 19 जून के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कूल के इंटरव्यू पे DD बनवा के भेजना है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाके, एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके फिल करके भेज सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द एप्लीकेशन।
आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच।